आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। कल का काफी बड़ा इवेंट है क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के पहले देखिए एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिली। अब देखिए, इसी तेजी पे हमने बात किया था कि मार्केट अगर आपको नीचे की साइड मिलता है, यानी इस लेवल पे आपको मार्केट मिलता है, तो इस लेवल पे हम बिल्कुल सीई बाइंग करके चल सकते हैं। यानी जो मार्केट में हम कंफर्टेबल थे वो 40,300 पे सीई बाइंग करने के लिए कंफर्टेबल थे। काफी लोग इस जगह पीई बाइंग करके होल्ड किए थे लेकिन उनको काफी अच्छा लॉस हुआ। और दूसरा देखिए, हमारा लेवल था इस लेवल के ऊपर, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि 40,900 के भी ऊपर अगर ये मार्केट निकलता है, यानी बैंक निफ्टी निकलता है, जब भी हम इसमें सीई बाइंग करके चल सकते हैं। यानी इन दोनों कंडीशन में हमने सीई बाइंग करने की ही राय दी थी और ऐसा नहीं था कि कहीं ना कहीं देखिए पीई बाइंग करने की राय दिया हो। और इसने देखिए उस लेवल से भी अगर आप देखो तो इसने कहीं ना कहीं देखिए जो ऊपर हाई मारा था वो 41,600 के समथिंग का हाई मारा था। यानी नीचे के लेवल से अगर आप देखोगे तो नीचे के लेवल से देखिए 700 से लेके 750 पॉइंटों की तेजी आपको देखने को मिली नीचे के लेवल से। तो देखिए, आज का लाइक का टारगेट हम सबसे पहले रखते हैं कि आज का लाइक का टारगेट तो देखिए जगह 2000 लाइकों का है, क्योंकि देखिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको पूरा करोगे। और कल जो मैं अपडेट आपको सभी को देखे गया था, जबरदस्त पैसा बनते हुए दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि कल के दिन हमको देखिए इस जगह सीई या इस जगह देखिए पीई किस लेवल पे बाइंग करना चाहिए, क्या कल मार्केट में और तेजी देखने को मिल सकती है या आ सकती है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कि अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, वन डे का चार्ट है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज भी देखिए हमने एक कॉल पब्लिश किया था इस जगह 40,600 का सीई, जो कि 300 रुपए का था, और इसने देखिए जो हाई मारा वो इस जगह अगर आप देखोगे तो जबरदस्त पैसा बनाते हुए दिखाई दिया। और जो हमारे मेंबर्स हैं बिल्कुल फ्री में, उनका भी जबरदस्त पैसा बनते हुए दिखाई दिया। अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए, कल के दिन में आपको क्या बता के गया था इसके बारे में हम बात करते हैं। बड़े गैप के लिए मार्केट तैयार है, हिल जाएगा मार्केट। और इस जगह देखिए मैं इसको प्ले करता हूं मार्केट में जी, आपका काफी अच्छा पॉइंट था सीई बाइंग करने का, ठीक है। अब देखिए, आप इसमें हो क्या रहा है कि 40,900 का जो लेवल हमको दिखाई देता है, इस जगह मैं लिखना चाहूंगा 40,900 का जो लेवल है, अब लेवल है देखिए, आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 चार कैंडल ऐसी बनी है जो इसको पार नहीं कर पा रही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि मार्केट जैसे ही देखिए 40,900 के लेवल को अगर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद जब पार कर देता ना, किस कैंडल पे, 15 मिनट के कैंडल पे, तो हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं, सीई बाइंग करके चल सकते हैं। उससे पहले नहीं करेंगे, इसको थोड़ा पार होने दीजिए, इस लेवल को पार होने दीजिए, उसके बाद ही हम इसमें और सीई बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा देखिए इस जगह टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की तो देखिए हम बात कर लेते हैं। इस जगह मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आपका देखिए इस जगह 20,000 ऊपर मार्केट में 1000 पॉइंटों के जो हमने टारगेट दिए थे वो 41,300 के दिए थे, लेकिन मार्केट ने उससे कई ज्यादा देखिए इस जगह इसका हाई, ठीक है, इस लेवल पे आपको दिखाई दे रहा। और मार्केट ने क्लोजिंग कहां पे दिया है, क्लोजिंग दिया इस जगह 41,405 पे, 41,626 का हाई मारा है, क्लोजिंग दिया 41,605 का, यानी ऊपर के हाई लेवल से 200 पॉइंटों की प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। अब हम क्या करते हैं कि अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, यानी आपका नीचे की साइड अगर मिलता है और नीचे आपको इस प्राइस पे मिलता है जो कि कहीं ना कहीं 40,000 देखिए 800 से लेके आपका देखिए 40,900 के समथिंग अगर मिलता है, तो इस लेवल पे हमको फिर से सीई बाइंग करने का काफी अच्छा मौका देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो इस लेवल पे हम देखिए कहीं ना कहीं सीई बाइंग करेंगे, ठीक है। फिर हमारा देखिए इस जगह टारगेट क्या होगा, तो फिर से हमारा देखिए इस जगह टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो इस जगह टारगेट मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट 41,000 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 41,200 का देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट की बात करें तो 41,300
80 का देखने को मिलेगा, यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आज के दिन भी मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन हमने क्या बोला था कि आपको देखिए आपको पीई बाइंग तो करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल पीई बाइंग नहीं करना। मैंने आपको बोला था कि सीई बाइंग करके चलो। जब आपको एक चीज़ पता रहता है कि आपको क्या बाइंग करना है तो ऑटोमेटिक आपको एक जगह पता चल जाता है कि क्या बाइंग नहीं करना है। ठीक है, तो इस जगह हमको क्या पता था कि हाँ भाई इस जगह सीई बाइंग करना है, तो ऑटोमेटिक आपको यह पता चल चुका था कि हमको क्या बाइंग नहीं करना है। और ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि नया ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। अगर मार्केट आपका नीचे की साइड आता है तो नीचे की साइड हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमको किस में लेना है, इस जगह सीई के अंदर ट्रेड लेना है। देखिए इस जगह मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग आप इस जगह सोचेंगे कि भाई मुझे पीई के अंदर काम करना है, तो पीई के अंदर आप काम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक लॉजिक समझना है। देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो इस लेवल को इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर से अगर आप देखो तो फिर से इस लेवल को सपोर्ट लिया, और फिर से आप देखोगे तो इस लेवल को सपोर्ट लिया, यानी फर्स्ट नंबर पे इस पे सपोर्ट लिया, सेकंड नंबर पे सपोर्ट लिया और थर्ड नंबर पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तीन बार एक ही लेवल को इसने सपोर्ट किया है, जो कि अगर हम भागते हैं 41,300 के लेवल को। ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो ऐसा नहीं है कि हमने आंख बंद करके देखिए इस जगह सीई बाइंग किया था और मार्केट इस जगह से देखिए एक अच्छी तेजी हमको दिखाता हुआ दिखाई दिया, तो अगर इस लेवल को जो ब्रेक भी करता है ना नीचे की साइड, तो हम उसमें पीई बाइंग करके भी चल सकते हैं। यानी हम अगर मार्केट एक जगह 31,300 को ब्रेक करता है, तो इस जगह हम पीई बाइंग करके भी चल सकते हैं, लेकिन बस कंडीशन कैसा है, देखिए मार्केट ऊपर इसने हाई मारा है, ऊपर हाई मारा है, यानी इसमें जो पैटर्न चला इस तरीके से पैटर्न गया, ऊपर हाई मारा और ऊपर से फिर नीचे आ गया। ठीक है, यानी इस जगह हुआ क्या है कि मार्केट ने ऊपर से हाई मारने के बाद इस जगह जो इसने हाई मारा था वो इस जगह दिखाना चाहूँगा 31,600 का हाई मारा, इसने क्लोजिंग कहीं ना कहीं जो दी है वो इस जगह देखिए 31,400 के समथिंग दी है, यानी ऊपर के लेवल से आपका देखिए 200 पॉइंटों की सेलिंग दी है। अगर जो इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो इसमें हम पीई बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता के रखा है। फिर देखिए हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट तो जो हमको देखने को मिलेगा वो 31, इस जगह देखिए देखिए 31 मैंने बोल दिया, इस जगह 41,600 का इसने हाई मारा था और 41,600 पे देखिए इसने अभी जो क्लोजिंग दिया वो 41,400 पे आपकी देखिए क्लोजिंग दिया, तो 41,000 देखिए इस जगह 200 का पहला हमारा टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो इस जगह देखिए आपको 41,100 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो कहीं ना कहीं 40,900 का देखने को मिलेगा, जो कि इसमें एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, तो आप फिर से आप समझ लीजिए, अगर ये इस जगह देखिए 41,300 को ब्रेक करता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम पुट बाइंग करके चल सकते हैं। फिर हमारा देखिए 41,100 और इस जगह 40,900 का हमको इस जगह टारगेट देखने को मिल जाएगा। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह ऑप्शन चैन ओपन किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए सीखना बहुत जरूरी होता है, टिप लेकर काम करोगे तो बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा, टिप लेकर भी पैसा नहीं बन पाता काफी लोगों का। अगर मैं अच्छी कॉल भी दूं ना फिर भी पैसा नहीं बन पाता, क्योंकि पेशेंस चाहिए। हमने देखिए किसी कॉल को 300 में बाइंग किया, हम 320 तक नहीं रुक पाते, हम उसमें 400 रुपये 500 रुपये तक नहीं रुक पाते, तो सीखना पड़ता है। जब हम सीखना चालू करते हैं जब समझ में आता है। अब देखिए इसमें सपोर्ट की कहाँ है, तो इस जगह देखिए आपको इस जगह देखिए 40,900 से लेके 41,000 का देखिए इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 24 लाख के समथिंग का देखिए ओआई आपको किस लेवल पर दिखाई दे रहा है, 41,000 पे। फिर 10 लाख का ओआई आपको दिखाई देता है, 27 लाख का दिखाई दे रहा है, 16 लाख का दिखाई दे रहा है और 18 लाख का दिखाई दे रहा है। यानी जब बड़े ओआई देखिए आपको इस लेवल पे दिखाई दे जाते हैं और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट नीचे की साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो आपका सपोर्ट है तो रेजिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल रेजिस्टेंट है। 41,500 का भी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे जाता है, एक बड़ा रेजिस्टेंट दिखाई दे जाता है। यानी जो अब आपको तेजी देखने को मिलेगी ना, वो तेजी किस लेवल से देखने को मिलेगी, 41,500 के ऊपर। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम इसमें और तेजी प्ले कर सकते
सकते हैं। फिर इसमें जो कि जो आपको तेजी देखने को मिलेगी वो 300 से लेके इस जगह 450 पॉइंटों की देखने को मिल सकती है। यानी अगर हम बात करें तो और तेजी हमको किस लेवल से देखने को मिलेगी, 41,500 पे। अब देखिए इसका रजिस्टेंस 41,500 का है, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखिए जो आपको देखने को मिलेगा वो 28 से लेके 29 लेग के समथिंग का आपको यहाँ पे ओआई देखने को मिलता है, जो कि कॉल के अंदर है। देखिए मार्केट में तेजी तो है, क्योंकि आज के दिन जो तेजी देखने को मिली वो बिल्कुल देखिए इस जगह स्क्रीन पे देखने को मिली, और स्क्रीन का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। अब देखिए आज तो सभी लोग बोलेंगे कि तेजी आई है, लेकिन कल बोलना चाहिए था ना किस लेवल से आने वाली है। अब इस जगह देखिए दो बार इसने सपोर्ट लिया, आप इस लेवल पे देखिए सपोर्ट, फिर सपोर्ट देखिए, फिर सपोर्ट देखिए, ठीक है। अब सपोर्ट देखने के बाद इसमें एक लेवल बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट इस लेवल तक देखिए कंसोलिडेट किया 41,500 का। अगर ये इसके ऊपर निकलता है कि हम इसमें देखिए जो टाइम फ्रेम लेंगे वो इस जगह 15 मिनट का कैंडल लेंगे, 15 मिनट के कैंडल पे अगर ये अपना ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है, किस लेवल को ब्रेक कर देता है 41,500 के लेवल को, तो हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं, बिल्कुल सीधी बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर देखिए इसमें जो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं देखिए 300 से लेके आपको 450 पॉइंटों की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट उसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट में ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमको सिंपल सा 41,500 के ऊपर बाइंग करना है। फिर देखिए हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की हम बात कर लेते हैं, 41,620 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें 41,730 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें 41,840 का देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर 41,500 के ऊपर मार्केट निकलता है। तो फिर से आपको बता देता हूँ, 41,500 के ऊपर निकलता है तो इस जगह हम सीधी बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। 300 से 450 पॉइंटों की आपको तेजी देखने को मिलेगी, और देखिए 41,500 के ऊपर ही बाइंग करेंगे 15 मिनट के कैंडल पे। कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाना चाहिए, टारगेट आपका 41,720 का देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।